हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक और कैनलिस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है हैम्बर। हैम्बर एक बुलिश कैनलिस्टिक पैटर्न है और ये सिंगल कैनलिस्टिक पैटर्न है, यानी कि एक कैंडल से बनने वाला कैनलिस्टिक पैटर्न है। हैम्बर दिखने में हथौड़े जैसा होता है और ये ग्रीन कलर और रेड कलर दोनों में बन सकता है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं शेडो, हैम्बर के अंदर नीचे की तरफ शेडो होती है, ऊपर की तरफ शेडो नहीं होती है, किंतु किसी हैम्बर में थोड़ी छोटी सी शेडो दिखाई देती है तो वो वैलिड होती है। हैम्बर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि ग्रीन और रेड दोनों कलर में बनता है और ये जो ऊपर की तरफ आपको एरो में दिखाई दे रही है ये इसकी रियल बॉडी है और नीचे की तरफ जो है ये इसकी शेडो होती है। तो हैम्बर के अंदर लॉन्ग शेडो होती है और ये शेडो जब इसकी बॉडी की दो गुना होती है तभी हैम्बर वैलिड माना जाता है और नीचे यहाँ पर हैम्बर का लो होता है। यदि हैम्बर रेड कलर का बनता है तो ऊपर से ओपन होता है और यदि हैम्बर ग्रीन कलर का बनता है तो नीचे की तरफ से ओपन होता है। रेड हैम्बर नीचे की तरफ क्लोज होता है इस बॉडी के पास में और ग्रीन ऊपर की तरफ से क्लोज होता है। तो ओपन और क्लोज के बीच में जो है ये इसकी वास्तविक यानी कि रियल बॉडी है। नीचे की तरफ लो है और एक लंबी विक्स होती है और ये विक्स जब किसी हैम्बर के दो गुना या उससे अधिक बनती है तभी हैम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न मान्य होता है। हैम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में चार्ट के बॉटम में बनना चाहिए। हैम्बर से पहले एक डाउन ट्रेंड का होना जरूरी है। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड के बाद चार्ट के बॉटम में एक हैम्बर बना है। हैम्बर बन जाने के बाद हैम्बर के जो ऊपर यानी हैम्बर का जो हाई है यानी एंट्री एबो हाई एंड स्टॉप लॉस बिलो लो, यानी इस हैम्बर के ऊपर हम एंट्री करेंगे यानी बाय करेंगे और हैम्बर का जो लो है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके बाद। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि चार्ट के अंदर हैम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए चार्ट में एक डाउन ट्रेंड विजिबल हो रहा है और इस डाउन ट्रेंड के बाद चार्ट के बॉटम में एक हैम्बर बना हुआ नज़र आ रहा है। ये हैम्बर, इस हैम्बर के अंदर एक ऊपर की विक्स बनी हुई है लेकिन ये विक्स यहाँ पर मान्य है। तो फ्रेंड्स, इस हैम्बर में यदि आपको ट्रेड लेना है तो हैम्बर का जो हाई है इसके हाई के ऊपर में हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद हैम्बर का जो लो बन रहा है तो लो के नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। फ्रेंड्स, हैम्बर के ऊपर हाई पे एंट्री का ऑर्डर लगाने के बाद जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो हम इस हैम्बर के जो नीचे की तरफ है यहाँ पर इसके लो के नीचे यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ट्रेड लेने के बाद में एक बहुत ही अच्छी शार्प रैली आती है। ये देखिए मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया। तो आई होप आप समझे होंगे कि हैम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में किस प्रकार बनती हैं और हैम्बर के अकॉर्डिंग ट्रेड में किस प्रकार एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।